हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमरजी ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो ये है टॉपिक हमारा, इसको देखेंगे। आपने ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बुक में बहुत बार देखा होगा, इसके बारे में बहुत मतलब जाना होगा। तो आज देखते इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट, इसका पूरा डीप मीनिंग देखेंगे, क्या ये डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसी अच्छी बात से आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का एक डेफिनेशन होता है, तो मैं पहले इसका डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखता हूँ। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ यानी जो रियल का पाथ है, जो असली रास्ता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझेगा आपको अच्छे से। ये कोई बॉडी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ ये पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, ये पॉइंट को बी और ये पॉइंट को सी। इधर लिखता हूँ मैं सी। तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, यानी ये ए पॉइंट से कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट पे। ये ए से कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा। फिर देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जाएगा इस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, फिर यही यहाँ से, फिर आने के बाद ये क्या जाएगा, अपने स्कूल क्या जाएगा, मतलब इसको जाना है स्कूल, तो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यानी पॉइंट ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसने क्या किया, ये जो लेंथ है एक्चुअल, जो रियल का पाथ है, उसको क्या किया, फॉलो किया। अब मान लो इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी का डिस्टेंस अगर 200 मीटर हुआ, यहाँ का इसका मतलब डिस्टेंस, और यहाँ बी से लेके सी ये हुआ 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये प्लस 300 मीटर, यानी ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से स्कूल जाने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 500 मीटर का। तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल पाथ को, अपने रियल पाथ को मतलब फॉलो करते जा रहे हैं। अब देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस समझ जाना कि मतलब अपने एकदम एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैं यही एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट भी बताऊंगा। पहले लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। इसका बहुत अच्छा भी छोटा एग्जांपल मतलब डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट एंड पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मैंने क्या लिखा, शॉर्टेस्ट एंड पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा डिस्टेंस होता है। वो छोटा डिस्टेंस कैसा है कि वो पॉसिबल होना चाहिए। मान देखो अब इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इसे पॉइंट ए से ये इसको अपने स्कूल जाना है, यानी पॉइंट ए से लेके सी तक जाना है, मतलब ए से लेके सी पे जाना है। तो ए से क्या किया, पहले ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ये तो क्या इसका डिस्टेंस, ये एक्चुअल पार्ट को फॉलो किया। लेकिन अब इसका मेरे को इसी इसका ही मतलब छोटा लेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए, तो वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चले गया, तो ये दोनों से छोटा ही ना होगा ये, ठीक है। तो ये छोटा डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखो एक शर्त है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट छोटा डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ, क्योंकि वो पॉसिबल भी होना चाहिए। मान लो मुझे कहीं से मतलब यहाँ से कोई एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे जाना है, यानी एक रोड है, एक रास्ता है, और एक यहाँ एक घर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, मतलब एक दूसरे घर पे जाना है, एक घर से लेकर दूसरे, यहाँ पॉइंट ए से बी पे।
तो मुझे छोटा डिस्टेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी के घर के मतलब पटरे पर उड़ उड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं, मतलब पॉसिबल भी होना चाहिए छोटा डिस्टेंस सर, वो पॉसिबल भी होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ डिफरेंस के बारे में, तो देखते हैं। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस का कुछ पॉइंट, कुछ इसके बेसिक टर्म है यानी कुछ ऐसे। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मैंने आपको मेरा एक वीडियो बना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे पूरा, मतलब उसमें मैंने बताया स्केलर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में उसमें बताया, आप जाके पहले वो वीडियो को देख लीजिए, तो भी मैं आपको इसमें कुछ बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास ही मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। तो डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां लिखते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है यानी इसको डायरेक्शन से कुछ मतलब डिपेंड, इसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं डायरेक्शन के ऊपर। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखते हो डिस्टेंस के बारे में, अब इसका देखो एसआई यूनिट, आप जानते होंगे एसआई यूनिट मतलब एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो मतलब एक इंटरनेशनल का यूनिट हो, कैसा मतलब देखो सब अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं मान लो, तो उन लोग को एक मतलब एक ऐसा यूनिट बनाना होगा जो पूरी मतलब इंटरनेशनल पे चले, उसके ऊपर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यानी एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। और एक होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट यानी छोटा यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, ये होता है सेंटीमीटर। अब चौथा पॉइंट देखते हैं इसका डिस्टेंस का और क्या होगा, अब इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं कि डिस्टेंस हमें कैसे निकालना, मतलब उसका कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लो हमें स्पीड मतलब दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा 2 सेकेंड यानी 10 मीटर, यानी वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 10 मीटर। वैसे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से किसी भी चीज का डिस्टेंस दोनों बीच का। तो आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो आपको मान लो ऐसा लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसा लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20 मीटर, तो इसके साथ आपको ये भी लिखा हुआ 20 मीटर ईस्ट, यानी इसमें डायरेक्शन भी लिखा हुआ ईस्ट वेस्ट जितने है सब डायरेक्शन चारों वो भी लिखा रहेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट भी सेम होता है, एसआई यूनिट इसका होता है मीटर और सीजीएस होता है सेंटीमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेम होता है। अब देख फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप वेलोसिटी और टाइम को अगर आप प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि अरे डिस्टेंस के कुछ होते हैं कि मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके कुछ 2-4 पॉइंट्स बताए। अगर आपको ये वीडियो चाहिए हेल्पफुल लगा हो, ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।